आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमा डर और अब अलकायदा के आतंकी जाकिर मूसा की नज़र में भारत के मुसलमान दुनिया के सबसे बेशर्म लोग हैं। मूसा ने सोमवार को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है। ऑडियो में मूसा ने कजवाए हिंद के लिए जिहाद में शामिल नहीं होने पर भारतीय मुसलमानों की आलोचना की है। जम्मू कश्मीर के दो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने पुष्टि की है कि यह मूसा की आवाज है। मूसा ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी ऑडियो क्लिप शेयर की है। ऑडियो में वह कहता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इस्लाम और काफिरों के बीच लड़ाई है। भारतीय मुसलमानों को भड़काने के लिए उसने देश में मुस्लिमों के साथ घटित होने वाली घटनाओं का सहारा लिया है। उसने ऑडियो क्लिप में बिजनौर जाने वाली चलती ट्रेन में एक मुस्लिम महिला के साथ पुलिस कांस्टेबल द्वारा रेप, कथित गोरक्षकों द्वारा मुस्लिमों को पीट पीट कर मारे जाने का हवाला दिया है। उसने भारतीय मुस्लिमों को पीड़ितों के पक्ष में खड़े न होने के लिए बुरा भला कहा है। ऑडियो में वह रेप पीड़िता को संबोधित करते हुए कहता है, बहन मैं शर्मिंदा हूँ और बहुत दुखी हूँ कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते हुए मूसा कहता है, वे लोग दुनिया के सबसे बेशर्म मुस्लिम हैं। उनको खुद को मुस्लिम कहने में शर्म आनी चाहिए। हमारी बहनों को बेइज्जत किया जा रहा है और भारतीय मुस्लिम चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस्लाम शांतिप्रिय धर्म है। मूसा ने कहा, वे लोग सबसे बेगैरत कौम हैं जो अत्याचार और नाइंसाफी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। क्या हमारे पैगंबर और उनके असलाफ ने हमें यही सिखाया है? उन लोगों ने युद्ध के दौरान अपने खून बहाए और हमारी बहनों के सम्मान के लिए शहादत दी। मूसा ने ऐतिहासिक इस्लामी युद्ध जंगे बदर का हवाला दिया है। उसने कहा, वे लोग 313 थे और दुनिया पर राज किया। अब हम करोड़ों हैं लेकिन गुलाम हैं। भारतीय मुस्लिमों को चेताते हुए मूसा ने कहा, आप लोगों के पास अब भी खड़े होने और हमारे साथ आने का समय है। आगे बढ़ो या फिर बहुत देर हो चुकेगी। गोरक्षकों को इस्लाम और मुस्लिम समुदाय की ताकत दिखाओ। अंग्रेजी में जाकिर मूसा स्लैम्स इंडियन मुस्लिम्स फॉर नॉट जॉइनिंग जिहाद कॉल्स देम वर्ल्ड्स मोस्ट शेमलेस।